पेज नंबर 13 ट्राई दीज पार्ट 2 एनसीईआरटी रैशनल नंबर्स. देखिए 9/16 × 4/12 है ना, ये क्वेश्चन चेक कर लेते हैं. 9/16 × 4/12 प्लस 9/16 × -3/9. ठीक है, अब एक काम इनको करना चाहिए था जो इन्होंने नहीं किया, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ माइनस का, तो इसको ब्रैकेट में ऐसे रखना चाहिए था. ठीक है, ध्यान दें प्लीज. नौ बच्चों, पहला तरीका तो क्या है इसको सॉल्व करने का, कि भाई आप डायरेक्ट कर लो, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आ रहा है इसका इसका उसको ऐड कर दो. दूसरा तरीका ये है बच्चों क्या, कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का रूल का यूज़ हम यहाँ पर कर लें. ठीक है, तो मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था क्या, कि अगर a इंटू इन द ब्रैकेट a b प्लस सी होता है तो a इंटू बी अप प्लस a इंटू सी करते हैं, और अगर ऐसा होता है ये देखिए a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो हम इसको क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में a और सेकेंड टर्म में a कॉमन हो जाता है a, और ब्रैकेट में क्या बसता है a इंटू ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में b बसता है सेकेंड टर्म में c. यानी कि आपको पहचानना है कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में क्या कॉमन आ रहा है. तो चेक करो, ये फर्स्ट टर्म है, प्लस के पहले जो लिखा होगा फर्स्ट टर्म, प्लस के बाद में जो लिखा होगा सेकंड टर्म. तो फर्स्ट टर्म में बच्चों क्या आ रहा है, देखो इसको मैं ठीक से लिखता हूँ ना, ये ब्रैकेट आप हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. 9/16 × 4/12 लिखा है, ठीक, प्लस यहाँ पे देखिए ये वाला ब्रैकेट भी हटा दो, 9/16 × (-3/9) लिखा हुआ है. ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, आप पूरा एक ब्रैकेट यहाँ पे डाल दो. ठीक, डाल दिया, अब सुनो फर्स्ट टर्म में भी क्या आ रहा है, 9/16 ये देखिए, और सेकंड टर्म में भी क्या आ रहा है, 9/16. तो जो आता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट टर्म में भी 9/16, सेकंड टर्म में भी 9/16, 9/16 को कॉमन ले लिया. ठीक, सो 9/16 को हमने कॉमन ले लिया, सो ब्रैकेट में बचेगा फर्स्ट टर्म में 9/16 बाहर चला गया, क्या बचेगा 4/12, ओके, और प्लस 9/16 कॉमन चला गया, दो बार थोड़ी ना जाएगा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में से कॉमन आ गया बच्चों, है ना, तो 9/16 चला गया, यहाँ बचेगा सेकंड टर्म में -3/9, ओके, ये ऐसा हो गया. करेक्ट स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है ना. सो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो मैं आपको इसको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक, अब कुछ बच्चे बोलते हैं ऐसा क्यों लिख दिया, ऐसा इसलिए लिख दिया बच्चों क्योंकि ध्यान से चेक करिए, 9/16 × ब्रैकेट में क्या है 4/12 है, और प्लस माइनस में क्या है 3/9 है. अगर हम यहाँ क्या लगाएं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लगाएं, तो चेक करो ये वापस भैया मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं, तो 9/16 × 4/12 हो जाएगा, 9/16 × 4/12 और प्लस 9/16 यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 9 प्लस 9/16 × -3/9. तो बच्चों इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, क्वेश्चन में हमें ये दिया था, ठीक, ये दिया था, इसको हमने ऐसे लिख दिया, अब बस इसको सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है. ठीक, कर लो, 9/16 × इसको सॉल्व करना आता है, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, ठीक, तो 1/3 हो गया ये, प्लस ऐसे ही कॉपी कर लेंगे अभी, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, तो ये 1/3, लेकिन माइनस का ध्यान रखिएगा, माइनस का ध्यान रखिएगा. ठीक, ऐसा हो गया, ओके स्टूडेंट्स. नाउ ओहो, बड़ा बढ़िया हो गया ये तो बच्चों, देखिए यहाँ पे करता हूँ मैं, तो बड़ा बढ़िया आंसर आ रहा है इसका, जीरो आ रहा है, कैसे, 9/16 × ब्रैकेट में देखो बच्चों 1/3 है ना, ये ब्रैकेट में देखिए ये 1/3 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये 1/3 है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो -1/3 बच्चों, 1/3 -1/3 आंसर कितना आएगा, जीरो. एक बात और बताऊँ, याद है 1/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, -1/3, अगर आपने पहले की क्लासेस करी हैं, 1/3 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर जीरो आ जाए, तो जब जवाब है 1/3 में -1/3 ऐड करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, यानी कि 1/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -1/3, यानी कि दोनों को ऐड करने पर जीरो आ रहा है, और आप चेक भी कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस, एक नंबर है पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, ये कट जाएगा दोनों, और यहाँ आएगा ब्रैकेट में क्या जीरो, ओके, तो ये कट गया और यहाँ आ गया क्या जीरो, यानी कि 9/16 × 0, और कई बार आपको पढ़ाया गया है कि जीरो अगर किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करता है तो आंसर कितना आता है, जीरो, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, जीरो, ओके. अब जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा आप ऐसे कर लो, देखो 9/16 × 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, अब 9 × 0 हो जाएगा जीरो, और अपॉन में 16 × 1 = 16, और 0 × something = 0 लो, या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हो किसी भी रैशनल नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा, तो आंसर आ गया इसका जीरो. सो योर आंसर इज व्हाट, योर आंसर इज बच्चों जीरो, आंसर इज जीरो, करेक्ट. अब आपको अगर अपना आंसर चेक करना है तो वो भी मैं आपको करके दिखा रहा हूं, इतना नोट कर लीजिए प्लीज, नोट कर लिया, और जब आप यहां पर जब आप कॉमन लिए थे ना किसको, 9/16 को, तो आप लिखोगे यूजिंग, यूजिंग व्हाट,
डिस्ट्रीब्यूटिविटी रूल। ओके कॉपी करिए, आंसर हम आपका चेक कराते हैं, कॉपी करिए, कर लिया। चलो अब अगर आपको रीचेक करना है ना, सो रीचेक करने के लिए आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो, देखिएगा आंसर जीरो आएगा। ठीक है, दिखाते हैं आपको चेक कैसे करोगे। देखो इसको सॉल्व कर लो, पहले हमने आपको बताया था ये ऊपर नीचे भी कट सकता है, ऐसे ऐसे भी कट सकता है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे भी कट सकता है अगर बीच में मल्टीप्लाई हो तो। 4 वन ज़ा 4, 4 फोर ज़ा 16, 3 थ्री ज़ा 9 और 3 फोर ज़ा 12। अब आप चेक करो, 3 इंटू 1 3 अपॉन में 4 इंटू 4 16 प्लस 9 वन ज़ा 9, 9 वन ज़ा 9। ठीक, तो ये देखिए 1 इंटू माइनस 3, माइनस 3 अपॉन में 16 इंटू 1 16। करेक्ट, अब आप चेक करो बच्चों, कहना कुछ नहीं है, आप चेक कर सकते हो। 3 बाय 16 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? माइनस 3 बाय 16, तो दोनों कट के आंसर जीरो आ जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो 3 बाय 16 और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, लो 3 अपॉन 16 माइनस 3 अपॉन 16 कट के कितना आ जाएगा? जीरो। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, 16 16 का एलसीएम कितना होता है? 16। ऊपर बचेगा 3 इंटू 1 करेंगे माइनस 3 इंटू 1, क्योंकि 16 को 16 डिवाइड करोगे 1 आएगा, 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, 3 वन ज़ा 3 माइनस 3 वन ज़ा 3 अपॉन 16, 3 माइनस 3 0, 0 अपॉन समथिंग 0। तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है।